कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बेटर होंगे। सो गाइस आज किस नए वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग जो है किस तरीके से व्हाट्सअप स्टेटस बना सकते हैं गणपति जी वाला। दोस्तों इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से इस वीडियो को बनाना है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, अगर आपका एक यूट्यूब पर स्टेटस वाला चैनल है यानी कि आप यूट्यूब पर स्टेटस बना के डालते हो तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको क्या करना दोस्तों, इस वीडियो को करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से काइंड माइंडेड से व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बनाना है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हैं कि कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी आने वाली है। अगर दोस्तों आप गणेश चतुर्थी आने वाली है दोस्तों, तो अगर आप जो है व्हाट्सअप स्टेटस बनाते हो गणेश चतुर्थी के ऊपर तो दोस्तों आपके वीडियो पर वायरल होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से गणपति जी के स्टेटस वीडियो बनाना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को शुरू करना सब्सक्राइब। चलो दोस्तों हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में काइंड माइटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में काइंड माइटर एप्लीकेशन नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और दोस्तों आपको जिस साइज़ में व्हाट्सअप स्टेटस बनाना हो गणपति जी वाला दोस्तों उस साइज़ को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यानी दोस्तों मैं यहाँ से 1.1 की साइज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको जाना है मीडिया वाले ऑप्शन पर और दोस्तों आपको यहाँ पर गणपति जी की किसी भी एक पिच को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको कोई गणपति जी की पिच को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों आप गणपति जी की फुल HD इमेज चाहते हैं तो दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपली आपको बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन करना है। और दोस्तों इंस्टाग्राम को जैसे आप ओपन करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है गणपति जी HD इमेज। सिंपल दोस्तों जैसे आप लिख के यहाँ पर सर्च करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर कई तरह के फुल HD इमेज आपको गणपति जी के देखने को मिल जाएंगे। सिंपल दोस्तों क्या है, यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फुल HD में गणपति जी के इमेज, ठीक है दोस्तों। और चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ आप लोगों को किस तरीके से इस तरह का एड्रेस बनाना है। तो सिंपल दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले मीडिया में जाकर इस तरह की इमेज को डाउनलोड कर लेना है और आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको इस इमेज को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको फिर से इसी इमेज पर टैप करना है दोस्तों और आपको यहाँ पर क्रॉप वाला ऑप्शन मिलेगा। सिंपली दोस्तों क्या करना है, आपको क्रॉप वाला जाकर इमेज पर जाकर दोस्तों आपको जो है इन साइज़ को सेम बना देना है, यानी कि साइज़ को बराबर कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर और दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर मीडिया पर। मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको एक टेम्पल मिलेगा। सिंपल दोस्तों क्या करना होगा, गणपति जी का टेम्पल मिलेगा। सिंपल दोस्तों क्या करना है, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और दोस्तों आपको उसकी साइज़ को फुल कर देना है, ठीक है दोस्तों। साइज़ को फुल करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे की ओर जाना है और आपको यहाँ पर नीचे की ओर ऑप्शन मिलेगा दोस्तों यहाँ पर बिल्डिंग का। तो सिंपल दोस्तों क्या करना है, आपको बिल्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों और आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। और नीचे की ओर स्लाइड करने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा डार्क नेक का। सिंपल दोस्तों क्या करना है, आपको डार्क नेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा इसकी लाइटिंग को कम कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ इस तरह का वीडियो देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से आपको वीडियो प्ले करके बता देता हूँ दोस्तों, कुछ इस तरह का दोस्तों आपको जो है वीडियो देखने को मिलेगा। तो उसके लिए उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अगर आप इस वीडियो में और भी ज़्यादा इफेक्ट डालना चाहते हैं दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों आपको जो है यहाँ पर इसकी एक सेम टू सेम फोटोकॉपी बना देनी, यानी कि इस वीडियो का एक डुप्लीकेट बना देना है कुछ इस तरीके से। और दोस्तों क्या करना है, आपको जो यहाँ पर इस साइज़ को फुल कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप साइज़ को फुल करेंगे दोस्तों आपको यहाँ स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल दोस्तों यहाँ से जो है आप इसकी थोड़ा स्पीड से भी आप इफेक्ट लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से जो है आप इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप फिर से आपको ये थोड़ा वीडियो को आगे की ओर बनाना है दोस्तों, और यहाँ पर फिर से दोस्तों क्या करना है, आपको फिर से वीडियो पर टैप करना है और आपका एक इस वीडियो की एक इमेज को लेयर या इमेज बना देनी है दोस्तों कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। फिर से एक इमेज बना देनी है और आपको जो है यहाँ से इस इमेज को बनाने के बाद आपको फिर से जाना है स्पीड वाले ऑप्शन पर और दोस्तों यहाँ से किसी भी एक साइड को आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जिससे दोस्तों क्या होगा कि आप जिस तरीके से वीडियो को आपको देखने में वो भी ज़्यादा बेटर लगने लगेगा। चलो दोस्तों मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और चाहिए तो आप और भी इसमें ज़्यादा इसी तरह इफेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि फिर से जाना है वीडियो वाला ऑप्शन पर और दोस्तों आपको जाना है फिर से यहाँ पर एक डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पर और दोस्तों क्या करना है, आपको इस तरह का एक फोटो फिर से बना देना है, साइज़ को फुल कर देना है और दोस्तों आकर स्पीड वाले ऑप्शन में जाना है और दोस्तों यहाँ से आप किसी भी एक स्पीड को यहाँ से इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर से चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को सेव कर लेता हूँ और फिर मैं आपको वीडियो प्ले करके बता देता हूँ। सिंपल दोस्तों क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोस्तों आपको जो इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। तो चलो दोस्तों मैं यहाँ से इस वीडियो को सेव कर लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने इस वीडियो को सेव कर लिया। चलो दोस्तों हम इस वीडियो को प्ले करते हैं।
तो दोस्तों कुछ इस तरह का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।